मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा क्लास। तो चौथा क्लास आप लोग ध्यान से देखना, पूरा क्लास देखना। ये सब कुछ हम पढ़ेंगे, गुणा की संक्रियाएं, समरस पर गुण, विनिमय, बंटन, सहचर। उससे पहले चंद लाइनें आपके लिए, वो भी आप लोगों की रिक्वेस्ट पर। न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें बचा लेगा, न फिसलो इस उम्मीद में कि कोई तुम्हें बचा लेगा। सोच कर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें उठा लेगा, सोच कर मत डूबो दरिया में कि कोई तुम्हें उठा लेगा। ये दुनिया तो अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार, ये दुनिया तो अड्डा है तमाशबीनों का मेरे यार। देखेगा तुम्हें मुसीबत में तो हर कोई यहाँ मजा लेगा। तो इसलिए अपनी कमजोरियों को किसी से ना बताएं और खामोशी के साथ कर्तव्य के मार्ग पर अग्रसर। चल, गुणन संक्रिया का क्रम विनिमय नियम हम देखेंगे सबसे पहले। और उसके पहले आप कमेंट करके बताना कि ये लाइनें आपको कैसी लगी। थोड़ा अटपटी तो हो गई लेकिन समझ में आई है ना। क्रम विनिमय नियम देखिए, गुणा की जो संक्रियाएँ हैं या भाग की संक्रियाएँ हैं, जोड़ की हैं, घटाना की हैं, ये कुछ प्रगुण हैं जो हर किसी पर लागू नहीं होते, ठीक है, कुछ पर लागू होते हैं। तो यहाँ पर हम इनको टेस्ट करेंगे कि गुणा की जो संक्रियाएँ हैं वो क्रम विनिमय और बंटन, सहचर्य, ये सभी प्रगुण इन पर लागू होता है कि नहीं होता है। चलिए, क्रम विनिमय का मतलब है क्रम बदलना। 3 को 5 में गुणा करोगे 15 आएगा, 3 5 15। अगर आप 5 का 3 में मल्टीपल करोगे तब भी क्या आएगा, 15। यहाँ पर ध्यान देना, हमने 3 का मल्टीपल 5 में किया था, 3 पहले था, 5 बाद में था, तब भी 15 आया था। हमने क्रम बदल दिया, 5 को पहले कर दिया, 3 को बाद में, तब भी क्या आया, 15 आया। इस तरह से आप लिख सकते हो, इसका डेफिनेशन लिख लेना, मैं लिख के नहीं लिखूंगा। कि गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है या फिर गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, ठीक है। इसको अभी लास्ट में बता देंगे कैसे लिखना है, मतलब पहले समझ लेना कैसे क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझना। अगला जो आपका प्रगुण है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये बुक के सिलेबस और सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अगला है बंटन नियम, ठीक ना। तो बंटन नियम भी ये फॉलो करता है, कैसे करता है जरा जांच करना इसकी। बंटन नियम का मतलब ये हुआ कि जैसे 2 का गुणा करना है 7 और 2 है, ठीक ना। तो इसको अगर आप हल करते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 9 = 18 हुआ ना। बंटन नियम का मतलब है, अब इसको हम बंटन नियम में कर दें, 2 का पहले 7 में गुणा कर लो, 2 × 7 = 2 2 × 7 = 14 = 4 = 18 मतलब समझना। यानी कि यहाँ भी 18 आया, यहाँ भी 18 आया, यानी कि हमने क्या किया, बंटन का नियम लगाया और ये उसमें भी फॉलो हो रहा है, मतलब दोनों स्थिति में बराबर आ रहा है। यानी कि गुणा की संक्रिया बंटन नियम का भी पालन करती है। बस आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि गुणा की संक्रिया बंटन नियम का पालन करती है कि नहीं करती है, करती है। गुणा की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, करती है। लेकिन ये भाग में सभी लागू नहीं होता, देखना, ध्यान देना, भाग में भी हम आपको दिखाएंगे। इसके पहले भी कई बार डीएलएड की फर्स्ट क्लास शुरू हो चुकी थी लेकिन वो आगे नहीं बढ़ी, उसका रीजन था कुछ बहुत बड़ा, बता नहीं सकते। चलो, तो क्लियर हो गया। सहचर्य नियम, सहचर्य नियम मतलब जानते हो, वही भाईचारे वाला नियम। तो चलिए भाईचारे वाला नियम को समझ लेते हैं क्या होता है। सहचर्य नियम का मतलब होता है साथियों कि जैसे आप कोई भी नंबर यहाँ पर लिख करके देखते हो तो उसमें क्या होता है, जैसे 5 × 6 किया ना, ठीक है, 5 × 6 किया। अभी ध्यान देना, यहाँ पर इसका कहने का मतलब 5 × 6 और इसको पूरा 10 किया, इस तरह का, ध्यान देना, नोट करिए जल्दी से। यहाँ पर आप प्लस का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप प्लस का भी यूज कर सकते हो। तो देखिए दोनों स्थिति में ये बराबर आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो इसका मतलब ये पालन करता है और नहीं आता तो ये पालन नहीं करता है। चलिए अब हम आपको टेस्ट करके दिखा देते हैं, ध्यान से देखना और पूरा क्लास को देखना। देखिए,
ये तो पहली स्थिति है, इसको आप गुणा कर लो, 5 6 30 और 10 का गुणा करोगे तो 300 आया, ठीक है, इस तरह से 300 आ रहा है ना। सहचर नियम, भाईचारे वाला नियम, पहले ये दोनों एक साथ में है, ये बेचारा अकेले है, दूसरे दिन ये दोनों साथ में हो जाते हैं, उनको अकेले कर देते हैं, तो अगर बराबर आता है तो मतलब पालन करता है, ये सहचर नियम का नहीं आता तो नहीं करता है। चलिए 5 × 10 का गुणा कर लो, 6 को बाहर कर दो, अगर बराबर आएगा तो सही, नहीं आएगा तो नहीं। 5 का हमारा ये हो जाएगा आपका 50 और 6 का गुणा करोगे, 6 × 5 = 30, ये देखो 300 आया ना, यानी कि वो भी 300 आया, ये भी क्या आया, 300 आया ना 300, यानी कि गुणा की क्रिया सहचर नियम का भी पालन करती है, क्या करती है, सहचर नियम का भी पालन करती है। तो ये गुणा की क्रिया जो है तीनों नियम पर खरा बैठ रही है, इसको आप डेफिनेशन लिख लेना, अगर आपको परिभाषा चाहिए इसका तो कमेंट करना, जो लोग क्लास ज्वाइन किए व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे उनका डेफिनेशन मिल जाएगा, लिख लेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहे, लिखवा नहीं रहे। अगला देखना, गुणा संक्रिया का समरथ प्रगुण, तो ये समरथ प्रगुण क्या होता है, देखिए जरा गौर करना, जैसे 5 का 6 में गुणा किया तो क्या आया, 30 आया ना, 5 एक परिमेय संख्या, 6 एक परिमेय संख्या, 30 भी एक परिमेय संख्या है, यानी कि जब किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो सदैव परिमेय संख्या होती है। इस नियम के अनुसार गुणन संक्रिया के लिए केवल 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। मतलब कहने का ये है कि केवल 2 या 2 से अधिक परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव परिमेय संख्या होती है। तो ये परिमेय संख्याएं हैं जो आया, वो भी एक परिमेय संख्या हुआ। अरे जी वैसे है जैसे चूहे से चूहे के बच्चे पैदा होते हैं, चूहे से बिल्ली नहीं पैदा होती, ठीक ना, बात समझ रहे हो ना। लेकिन अपरिमेय में ऐसा लागू नहीं होता है, अगर परिमेय में हम बात करें 1/2 का 1/2 ने, 3/4 आएगा, लेकिन अपरिमेय में ऐसा नहीं होता है। अपरिमेय में क्या होता है, उसमें जो है अगर 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणा करते हैं तो वो परिमेय संख्याएं बन जाती हैं। ये बिल्कुल विदेश वाली नीति लागू होती है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या है कि एक ही जाति समुदाय के लोग जो है समाज की मान्यता के अनुसार शादी ब्याह कर सकते हैं और उसके लिए देश के बनाए गए कानून के अनुसार कर सकते हैं, लेकिन विदेशों की रीति आजकल इंडिया में कुछ जो नए जमाने की युवा युवतियाँ अपना रहे हैं जो कि बिल्कुल लागू नहीं होती। इसका हम मतलब इसमें क्यों बता रहे हैं, इसमें हम इसीलिए बता रहे हैं, विदेशों का मतलब ये जो हमने अपरिमेय की बात किया, अपरिमेय में इसमें बिल्कुल कोई भी नियम कानून इसका लागू नहीं होता है। 2 अपरिमेय संख्याओं √2 का √2 में गुणा किया तो एक अपरिमेय संख्या बन जाती है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, संकरण हो जाता है, साइंस में पढ़ा होगा, बात समझ में आई ना। जैसे हाइब्रिड तो सुना होगा ना, हाइब्रिड में फल भी आते हैं और धान के पौधे भी आते हैं, तो ये प्रकार से हाइब्रिड हो जाता है, ठीक ना, अपरिमेय अपरिमेय मिलकर के परिमेय बन जाते हैं। कुछ सवाल आप लोग नोट करिए होमवर्क के लिए, एक प्रकार से अपने अभ्यास के लिए, जल्दी करिए फटाफट जांच करिए ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं कि नहीं। हो गया 190 × 5 = 5 × 190 और 1031 = 1031 7 × 1031, ध्यान देना, इसको सॉल्व करके बताना कितना आ रहा है, ये नहीं ऐसे बोल दो हाँ 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 हो रहा है, इसको मल्टीपल वगैरह करना, ठीक ना। तो ये क्रम विनिमय पर कर लेना, एक सहचर पर कर लीजिएगा, सहचर से पहले बंटन के लिए करिएगा, गुणा की क्रिया में बंटन नियम का पालन करता है कि नहीं, अरे वही वितरण बंटन, बिल बांट कर खाओ वाला। देखिए कैसे, जैसे 5 का गुणा 7 है और गुणा ये 10 है ना, अगर हम इनको 10 के साथ कर दें, 7 को और 5 को अकेले कर दें तो क्या ये बराबर आएगा, ये पहला है। दूसरा लिखना, ये इतना है और ये इतना, बताना कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो गया बंटन नियम के लिए, इसको हल कर लेना और हल करके कमेंट करना इसका आंसर कितना आया। होमवर्क करोगे तो अच्छे में रहोगे, मजे में रहोगे, नहीं करोगे तो फिर भगवान भरोसे रहना। अगर कुछ हासिल करना है तो काबिलियत बनाइए, किस्मत की रोटी तो कुत्ते को भी नसीब हो जाती है साहब। आप देखिए आगे सहचर नियम,
ये सभी बीच बीच में जुमले देते रहते हैं तो आप लोगों की आंखें खुली रहती हैं। साचर नियम में देखना कैसे, अभी आपको बताया था ना कौन सा, भाईचारे वाला नियम है ना। तो चलिए इसमें का कुछ एग्जांपल जल्दी नोट करिए, फटाफट नोट करिए। जैसे कि कुछ सीरियल अगर हम बदल देते हैं तो उसमें जो है वो बराबर आता है कि नहीं, एक बार ध्यान देना। अभी जो हमने लिखा हुआ था एग्जांपल, सॉरी वो साचर नियम का ही था। किसका था? साचर नियम का था, मतलब जिसमें गुणा गुणा था, ठीक है उसको कर लेना। ये अब हम लोग देखेंगे बंटन नियम। अभी जो पीछे हमने एग्जांपल लिखा वो साचर नियम का, साचर नियम का था, ये है बंटन नियम। बंटन नियम में जैसे इसमें बीच में प्लस होता है, 190 प्लस 7 और इंटू 5 इक्वल 190 इंटू 5 और बीच में प्लस 7 इंटू 5, इसको बताना। दोनों पक्ष अगर इक्वल आएगा तो ये पालन करता है बंटन नियम का, अगर नहीं आएगा तो नहीं करता है। हल करके बताना, कोशिश करना, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक ना। आगे चलिए, 207 इंटू 109 और प्लस 207 और इंटू 5। अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा 109 प्लस 5 इंटू 207, दोनों बराबर आएगा तो बता। कमेंट करना, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। इतना देर जो लोग तमाशा देख रहे हो ना, मेहनत करोगे तो अच्छी बात है। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, उसके बाद आप इसको बाद में भी तो देख सकते हो ना, अभी तो हल कर सकते हो। कॉलेज जिसको भी जाना होगा 9-10 बजे जाएगा, 8 बजे जाएगा, इसलिए ये क्लास आपको हम सुबह 4 बजे यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा देते हैं कि जिसको कॉलेज स्कूल जाना है वो जाए आराम से। देखिए साथियों, इसमें अगला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो भाग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। इसमें देखिए हम आपको हिंदी में बताएंगे, बिल्कुल इंग्लिश या फारसी में नहीं बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन, भाग की संकल्पना। भाग में होता क्या क्या है, जैसे कहा जाए कि 48 जो है वो 12 का कितना गुना है, 48 का कितना गुना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसको ज्ञात करने के लिए हमें भाग का प्रयोग करना होता है। तो हम जानेंगे 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 4 जा 48, इस तरह से जो 4 आएगा हमें मालूम हो जाएगा कि जो 48 है वो 12 का 4 गुना है। कितना है? 4 गुना है। इसमें मुख्य मुख्य जो प्रयुक्त करेक्टर होते हैं वो होते हैं भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल। साइड में आपको दिख रहा है कि नहीं? एकदम सब कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है ना? ओके ठीक है। तो जिस संख्या से भाग किया जाता है किसी संख्या में, उसे हिंदी में भाजक, इंग्लिश में डिवीजर बोलते हैं। मुझे इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, हिंदी बता रहा हूँ, इंग्लिश लिखा है, जिसको ज़रूरत होगी वो लिख लेगा। और जिस संख्या में भाग किया जाता है इसे हिंदी में भाज्य बोलते हैं। याद रखना बहुत जरूरी है ये, अभी इसमें बहुत सारे सवाल लगेंगे, इसको हवा में मत लेना भाई, ये फालतू का चीज बता रहा है, मतलब का ध्यान से देखना। और जो नीचे बच जाता है इसे बचा कुचा शेषफल बोलते हैं, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। और क्वाशियंट यानी कि क्वाशियंट जो होता है इसको बोलते हैं भागफल, भागफल बोलते हैं इंग्लिश में, देख लो QUOTIENT, इसको नोट कर लीजिए। अभी हम आपको कुछ भाग देंगे, उसको उत्तर की जांच करना होगा सही है कि गलत है, ये सब आएगा तभी कर पाओगे, वरना इसे मुताबते रह जाओगे, आएगा नहीं कभी, ठीक ना। जैसे कि हमने भाग किया 29 में 7 से और 1 रिमाइंडर आया, ये सही है कि गलत है, इसके लिए हम यहाँ से जाँच करते हैं अपने भाग की। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। जो इंग्लिश वाले हैं वो अपना इंग्लिश का वर्ड यूज करेंगे भाज्य की जगह पे, वहां से देख लो इंग्लिश क्या है ना, डिविडेंड है, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ओके तो भाज्य कितना है जल्दी बताओ देख के। अरे जी कुछ लोग कैसे देख रहे हैं, ना लग रहा है, जग रहे ना सो रहे, जगते रहिए, सुबह हो गई। भाजक कितना आएगा,
यहाँ से देखो ना, सात है भागफल ऊपर जो गया था खोपड़ी के ऊपर, शेषफल मतलब जो नीचे बचा था, ये हल कर लो। सात चौक 28, ये 28 में एक जोड़ो के 29, दोनों बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा भाग सही है। अगर बराबर नहीं आएगा मतलब भाग का सवाल हमारा गलत है, और गलत कहाँ होगा मैं वो भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखना बस, भागना मत। जो भी क्लास आपको मिले पीवीआर स्टडी की, उसे पूरा देखिए। पूरा देखेंगे ना तो यकीन मानिए, डीएलएड में आपको पूरा अंक दिलाएंगे। मैथ में हम सभी सब्जेक्ट की गारंटी नहीं लेते हैं, सिर्फ मैथ की गारंटी लेते हैं। 25 में 25 मार्क्स लाने में आपको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका सवाल गलत भी है और आपका टॉपिक जो आपने किया है उसमें से बहुत सारे पॉइंट सही, तो आपको उसमें भी नंबर मिलेंगे। ऐसा बहुत सारी परीक्षाओं में प्रावधान रहता है, आंसर आए ना आए, तो इसलिए सवाल कोई काटिएगा मत। पेपर जो भी लगाइएगा पूरा मत लगाइएगा, भले ना आए तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन पहुँचिएगा मत लास्ट में, आंसर नहीं आए तो प्रोग्राम देते हैं उसको। हाँ तो देखिए, अब हम इस सूत्र का प्रयोग आपको करना दिखना है वास्तव में। जैसे हमने भाग किया 4 7, ये आया 28 ना, आप जानते हो कि इसको घटाने के बाद क्या आएगा, 3 आएगा ना। चलो मैं 3 नहीं 5 लिख देता हूँ, जानबूझकर मैंने इस भाग को गलत किया है। अब चलिए इसकी जांच करते हैं उत्तर की, यहाँ पकड़ा जाएगा कि गलत है। देखना भाज ये 31 है, भाजक 4 है, अब मैं बताऊंगा कहाँ है, क्योंकि हमने पहले बता दिया इसके पहले। इस तरह से जब आप इसको हल करोगे तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आएगा। 4 7 28, 28 में 5 जोड़ोगे 35, बराबर आया दोनों पक्ष, नहीं बराबर आया, दैट्स नॉट इक्वल, बराबर नहीं, यानी कि हमारी भाग गलत है। इस तरह से आप भाग को चेक कर सकते हैं सही कि गलत है। बात समझ में आई ना, तो इसको सही कर लो, काहे कि गलत कर रहे हो। फिर ये लो, हो गया ना सही, देखना बस देखते रहना। इसको सबट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3 आएगा, यहाँ पर आप 3 लिखोगे, 7 4 28, 28 में 3 जोड़ोगे 31, देखो बराबर आ गया। तो ये भाग की कॉन्सेप्ट है, अभी हम आपको बताएंगे ये भाजक वगैरह होते क्या है। चलिए देखिए भाजक क्या होता है, ध्यान से देखना, नोट करते जाइए, मत रोकिए, कोई भी वीडियो छोटा नहीं करिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए रोक लेते हैं ना तो आपका थोड़ा टाइम बचता है वीडियो, लेकिन थोड़ा छोटा दिखता है स्क्रीन पर ना, तो लोग सोचते रहे यार फालतू का बताएंगे 10 मिनट में, है ना। इसलिए भले बोलते रहिए लिखते रहिए सामने, बट वीडियो को रोकना नहीं चाहिए। चलिए देखिए ये भाजक क्या होता है, भाजक और फिर ऊपर जाता है तो क्या बचता है, भागफल, लेकिन इसके बीच में एक होता है भाज, इंग्लिश हमने अभी दिखा दिया, और एक होता है शेष। इन्हीं चार मुख्य अतिथियों का रोल होता है भाग की पूरी प्रक्रिया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम आपको दिखा दें एक प्रत्यक्ष दर्शन, 47 में आप डिवाइड कर दो 3 से, तो 3 1 जा 3, 1 आया 7, 3 5 जा 15, 2 आया। देखिए जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाती है, लिख लीजिए, जिस संख्या से हम भाग करते हैं वो भाजक कहलाती है। मैं लिखूंगा नहीं, अगला भाज्य, यानी यहाँ भाजक क्या है, 3, भाजक क्या है, 3, क्योंकि 3 से काम किया। अगला भाज्य क्या होता है, जिस संख्या में भाग करते हैं, ध्यान देना उस दिन ने कहा था जिस संख्या से भाग करते हैं, अगला मैं बोल रहा हूँ जिस संख्या में भाग करते हैं वो भाज्य बना। जैसे यहाँ पर ये है 47, ये 47 है इस क्वेश्चन के ऊपर, और ये भाग करने की सारी प्रक्रिया पूरे ये झंझट से गुजरने के बाद जो प्राप्त होता है, रिजल्ट जो मिलता है, उसे भागफल कहते हैं। जहाँ तक इसमें फल वर्ड लगा, ये जो ऊपर जाता है ज्योति के ऊपर, और ये सारी प्रक्रिया करने के बाद जो इमरजेंसी रूप में किसी भी तरह से बच जाते हैं उन्हें शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर। उम्मीद करते हैं आप इनको बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे। भाजक मीन्स डिविजर, भाज्य मतलब वही डिविडियन, क्वेशन एंड रिमाइंडर। बात समझ गई ना, क्योंकि कुछ हमारे ऐसे भी साथी हैं जो कि तमिलनाडु और केरला कर्नाटका और बहुत भी दूर दूर से हैं, वो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो उनको इंग्लिश वर्ड जरूरी होता, वरना वो हमारी हिंदी समझ नहीं पाते। लग गई आग जमाने में तो बचा क्या है, बच गया मैं तो जला क्या है,
मेहनत से हासिल होता है सब कुछ यहाँ, इन हाथों की लकीरों में रखा है। मेहनत करते रहिए सब कुछ मिलेगा। भाग्य की संक्रिया का कुछ कांसेप्ट, यानी कि ऑपरेशन ऑफ विनिमय, विनिमय नियम, बंटन नियम, साहचर नियम, सन्मत नियम, ये चारों भाई ऐसे हैं जो सभी के साथ चेक किए जाते हैं, खरे कहाँ का हो सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये भाग की संक्रिया विनिमय नियम का पालन नहीं करती है, बंटन नियम का पालन भी नहीं करती है, साहचर नियम का भी पालन नहीं करती है, लेकिन अफसोस की बात है कि ये सन्मत नियम का पालन करती है। मतलब समझना कैसे, विनिमय नियम सबसे पहले हमने आपको बताया था, अगर आपको याद हो इसको बाद में बताएं। बंटन नियम सबसे पहले देख लो, जैसे आपने देखा था गुणा में कि 5 धन 7 अगर करते हो और इसको 2 से गुणा कर देते हो तो ये थोड़ा सा देखना, एक मिनट दिल काम के देखना, ये 7 5 12 और 2 में गुणा कर दोगे, एक लाइन और लिख देते हैं काहे लफड़ा किसी के तेरे के लिए, ये देखो कितना है 24 आया। और इसी को उस रूल के अकॉर्डिंग हम करते हैं बंटन नियम का, मतलब समझना 2 का गुणा पहले 5 में फिर 2 का 7 में, तो ये 10 धन 14 = 24 आ गया, आया ना, मतलब ये दोनों बराबर आ रहा है, मतलब कि ये गुणा की क्रिया के लिए बंटन नियम लागू होता है, पालन करता है, लेकिन भाग में ऐसा नहीं होता है। काहे नहीं होता है वो आपके सामने हम ले जा रहे हैं, देखना बस और बाकी कुछ नहीं करना है। और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो कर देना, वो आपका कर्तव्य है, नहीं करोगे तो भगवान कह जाओगे उसका फल मिले। आगे देखो, अभी इसको हमने क्या किया 2 और ये क्या कर दिया इसमें 5 का गुणा कर दिया, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, ध्यान देना। हाँ तो चलो भाई ये लो, बीच में डिवीजन है ना तो मैं डिवीजन लगाऊंगा, बाकी कुछ नहीं। ओ इसको मल्टीपल करो भाई, ये लो हो गया, 2 का मल्टीपल करो 5 में। अभी देखना ये है कि दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए, आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो कोई बात नहीं, इसको भाग दोगे 6 आएगा, 6 का 5 में गुणा करोगे तो 30 हो जाएगा, इसको गुणा करोगे 60 हो जाएगा, 60 में जब ये 5 × 10 ये 6 हो जाएगा, देख लो आ रहा बराबर, नहीं आ रहा ना, मतलब ये 30 आ रहा वो 6 आ रहा, एक तीर नौ एक तीर नौ, अतः ये जो भाग की संक्रियाएं हैं वो बंटन नियम का पालन नहीं करती हैं। इसी तरह से विनिमय नियम, साहचर नियम का पालन भी नहीं करती, करके देख लेना, जैसे मैंने गुणा में बताया था जहाँ जहाँ गुणा लगाया था वहाँ भाग लगा देगा, फिर भी ना पल्ले पड़ेगा, दिमाग में ना घुसेगा तो कमेंट करके बताना, बताएंगे जो लोग ज्वाइन किए नंबर पे संपर्क करेंगे उन्हें जरूर बताया जाएगा, और जो अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं वो जरूर ज्वाइन कर लें, ये उनकी मर्जी है, ठीक है, अगर कर लेंगे ज्वाइन तो उनको सब कुछ मिलेगा, पूरी क्लास मिलेगी, सभी सुविधाएँ मिलेगी, हमारी टीम बिल्कुल उनके लिए ऑल टाइम वर्क करती है 24 घंटे रात दिन मिला करके, और अगर नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में देखते रहें। और हाँ एक बात और बता दें, धीरे से बताएंगे ध्यान से सुनो, क्लास ज्वाइन करने के लिए 549 रुपये का पे करना होगा, क्योंकि 24 घंटे इसी में हम लोग लगे होते हैं, तो आपकी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया बनाया जाता है, तो इतना सा शिक्षा के क्षेत्र में योगदान करेंगे तो आपको आपके सेमेस्टर का कंप्लीट मैथ मिलेगा, चाहे जो भी सेमेस्टर है, ठीक है, सिर्फ एक बार करना है, अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर से पे करना होगा, ठीक ना, बात समझ गए ना। तो चलते हैं आगे देखते हैं, सहमत पर गुण का ये पालन करती है कैसे, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसका भाग करोगे ना तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, मतलब ये दोनों एक परिमेय संख्याएं थी, भाग करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक परिमेय संख्या ही आएगा, इसका मतलब भाग की संक्रियाएं सर्वत पर गुण का पालन करती है। इस तरह से आपने पढ़ लिया गुणा की संक्रियाएं, गुणा का कांसेप्ट, सहमत, साहचर्य, बंटन और विनिमय पर गुण, गुणा और भाग सभी के लिए पढ़ लिया है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स कुछ समझ पाए 1-2% वो अवश्य क्लास को देखें, रोज देखें, हर दिन देखें PBR स्टडी के, और जो यूट्यूब चैनल है मैथ आसान है इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। एक हिमांशु सर है जो कि इजी डेरिवेशन में आपको बिल्कुल एकदम इजी तरीके से डेरिवेट करके दिखाते हैं,
तो इजी डेरिवेशन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, विद्या स्टडी का पार्टनर चैनल। इस पर आपको साइंस और पॉलिटेक्निक की क्लासें मिलती हैं, तो इसको भी देख लेना एक बार, सब्सक्राइब कर लेना, ना देखना होगा तब भी कर लेना, सर का हौसला बढ़ेगा तो आपको और अच्छे से पढ़ाएंगे, इसलिए इसको जरूर कर लेना, ठीक ना। उनका मैसेज बहुत दिन से आ रहा था, अवधेश सर शायद इस बात को हमसे नहीं शेयर कर रहे थे कि वो सर ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए हम क्लास में इन बातों को नहीं बोल पा रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना है ना। तो ये व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, जो लोग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इस पर मैसेज करके चैटिंग कर सकते हैं, और 549 का पे करके कंप्लीट कोर्स कर सकते हैं। नहीं करना चाहते आप बिल्कुल एक फूटी कौड़ी मत दीजिए, यूट्यूब पर PVR स्टडी लगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए और देखते रहिए बिल्कुल मुफ्त में। लेकिन भाई मुफ्त की चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं, याद रखना बस, बाकी और कुछ नहीं, ठीक ना। और हाँ, शाम को 7:30 बजे आपकी जीरो लेवल गणित PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर चल रही है। यह DLED की क्लासें भी शाम को जैसे थी पहले इस चैनल पर, PVR स्टडी ग्रुप चैनल पर उस पर चलती रहेगी 9:30 बजे से और 10:15 बजे से। सुबह भी आप इसको देख पाएंगे PVR स्टडी इलाहाबाद पर, दोपहर 11 बजे आप इन क्लासों को, 11 बजे तो फिलहाल आपका जीरो लेवल मैथ होता है, दोपहर 11 बजे आप जीरो लेवल मैथ देख सकते हैं फेसबुक पर, PVR स्टडी के पेज पर, और DLED की क्लास भी फेसबुक पर तय कर दिया जाएगा समय, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलते हैं आपको आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को इन्हीं बातों के साथ। जय हिंद, जय भारत, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं। बस याद रखना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक ना। थैंक यू।